माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 10 मल्ला डिज़ाइनर हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है पहरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी, एंड जो इसकी डायमेंशन हैं वो है 35x70। 35 इसका फ्रंट है, 70 इसकी लेंथ है। 2 साइडेड ओपन हाउस है, इस साइड पर गली भी दी गई है। काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म का घर ही कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अमेजिंग किस्म की है। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली लाइक आई सेड, एक 10 मल्ला का डिज़ाइनर हाउस है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि घर की डिटेल्स, घर की डिमांड और घर के तमाम तर फीचर्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड इस सब के अलावा, अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऑन कैश भी है और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, 5 मल्ला का जो प्लान है वो 2 साल का प्लान है, और जो 10 मल्ला का प्लान है वो 2.5 साल का प्लान अवेलेबल है। उसके रिगार्डिंग आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब चलते हैं, इसका विजिट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं, इसका का फ्रंट एलिवेशन है। काफ़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट एलिवेशन में ग्लास भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ग्राफी भी बहुत अच्छी की गई है, रॉक वॉल का इस्तेमाल भी किया गया है, प्लस वुडन सीलिंग है यहाँ पे। एंड 35x70 की डायमेंशन है। 35 इसका फ्रंट है, 70 की लेंथ है, और ये घर 2 साइडेड ओपन है, साइड पर गली भी दी गई है। कंप्लीट में इस घर का विजिट करेंगे। लाइक आई सेड, एक प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस है ये। लोकेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग है इसकी। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, इसका विजिट कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, ये गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंग गेट का डिज़ाइन रखा गया है यहाँ पे हमारे पास। ये इसका कार रैंप अवेलेबल है, कंप्लीट टफ टायर का इस्तेमाल है, काफ़ी अच्छे सा कार रैंप है। मज़ीद हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज मीटर है। ग्रीन एरिया भी ऑलमोस्ट डेवलप है, और डस्टबिन अभी इंस्टॉल होनी है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बात करते हैं अगर गैस की, तो गैस फिलहाल अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इस एरिया में गैस भी आ जाएगी। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं घर के अंदर। एंड सबसे पहले हमारे पास इसका आ गई है कारपोर्च। ये आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग किस्म का कारपोर्च डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले फ्लोरिंग की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीट टाइल की फ्लोरिंग है, फैंसी फ्लोरिंग है। एंड यहाँ पर हमारे पास इसका छोटा सा एक लॉन बनाया गया है, ग्रीन एरिया गार्डन भी कह सकते हैं आप इसको। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी अवेलेबल है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। आप अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसकी कंप्लीट टाइल फ्लोरिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पास यहाँ पे भी मजीद कार पार्किंग स्पेस आ जाए। एंड अब आप सब अगेन कारपोर्ट्स को रिव्यू कर लें। वुडन सीलिंग के साथ है, डबल एंट्रेंस है इसकी, एंड वॉल पर भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है, प्लस फैंसी लाइट्स भी इस्तेमाल की गई हैं वॉल्स पर। ये इसका वुडन सीलिंग डिज़ाइन। आपको एंट्रेंस के बारे में गाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है, ये अपर पोर्शन की एक्सेस है। ये आप फैंसी लाइट्स देख लें। सबसे पहले हम साइड गली का विजिट करेंगे। 10 मल्ला का हाउस है, और आपने देखा ये कि 10 मल्ला के हाउसेज़ में साइड गली भी दी जाती है। ये आपकी वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और इसके अलावा बैक की तरफ एक्सेस के लिए भी बहुत इजी एक्सेस होती है इसकी। एंड हम आ चुके हैं इसकी बैक साइड पे। ये आप देख लें कि गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, स्पाइरल स्टेयर्स भी अवेलेबल हैं, बैक पे टैप्स भी अवेलेबल हैं। इसका आपको बेनिफिट ये है कि आपके घर में कोई भी मेड या कोई भी आप सर्वेंट हायर करते हैं तो घर के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। साइड गली के थ्रू आके इन स्पाइरल स्टेज के थ्रू छत की तरफ एक्सेस हो जाएगी, आपकी प्राइवेसी का मसला नहीं होगा। इसके अलावा देख लें, वॉल पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइनिंग की गई है। वुडन डिज़ाइनिंग के साथ फैंसी लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड ये जो आप डोर देख रहे हैं, ये किचन के साथ लिंक किया गया है। मैं आपको घर के अंदर से इसका रिव्यू करवा दूँगा। एंड हम दोबारा से मूव कर रहे हैं कारपोर्ट्स की तरफ। एंड अब आप सब कारपोर्ट्स को मज़ीद एक नए एंगल से रिव्यू कर लें। कारपोर्ट्स की अभी इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ पे आपकी 2 से 3 बड़ी गाड़ियाँ इजीली एट अ टाइम पार्क की जा सकती हैं। बात करते हैं एंट्रेंस की, तो ये हमारे पास जो एंट्रेंस है ये अपर पोर्शन की एंट्रेंस है, और ये हमारे पास जो डोर है ये मेन डोर है। स्टेप्स देख लें, सॉलिड वुडवर्क है। घर के अंदर मूव करते हैं हम। एंड सबसे पहले हमारे पास इसका छोटा सा एक लॉबी एरिया अवेलेबल है, ये आप देख लें। आपको मैं एंट्रेंस के बारे में गाइड अगेन कर देता हूँ। ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस के थ्रू भी हम घर के अंदर आए हैं। अगर आपने रेंट आउट करना है एक पोर्शन, तो आपने सिंपली यहाँ पे एक शीट लगानी है, आपकी पार्टीशनिंग हो जाएगी। ये आप रिव्यू कर लें। इसके अलावा आप ये इसकी फ्लोरिंग देख लें, फैंसी टाइलिंग है, और ये अपर पोर्शन एक्सेस है। ये हमारे पास व्यूअर्स मेन एंट्रेंस है, और ये एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की। अब हम सबसे पहले मूव करते हैं मेन एंट्रेंस के थ्रू, और ये आगे हमारे पास इसका फर्स्ट टीवी लाउंज। व्यूअर्स, देर यू कैन सी कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत तरीके का इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरीज यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। अकोमोडेशन बहुत अच्छी है इस घर की, और ये 2+3 का यूनिट है। सामने हमारे पास पहले आप देख लें कि कैबिनेट्स हैं और LED पॉइंट। इसके अलावा ड्राइंग रूम की पार्टीशनिंग की गई है। हमारे पास यहाँ पे इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें, अमेजिंग किस्म का सीलिंग डिज़ाइन है। SK कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। एंड इसके अलावा सामने आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो LED पॉइंट है, काफ़ी खूबसूरत तरीके का डिज़ाइन किया गया है।
सामने ड्राइंग रूम के पार्टीशनिंग हुई हुई है। और ये हमारे पास अगेन आपको बताता चलूँ कि मेन एंट्रेंस है और इस तरफ हमारे पास ओपन किचन है, अमेरिकन डिज़ाइन किचन। लाइक आई सेड कि ये 2+3 का यूनिट है, 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में है एंड 3 बेडरूम्स हमारे पास अपर पोर्शन में अवेलेबल हैं। ये आप रिव्यू कर लें, ये इसका गैस पॉइंट अवेलेबल है। अब मैं आप सबको अगेन एक दूसरे एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ। आप सबको हर एंगल से रिव्यू करवाने का मकसद ही होता है कि हाउस प्लान के बारे में डिटेल्स और तफसीलात आपको ठीक से समझ में आ जाएँ। एंड मज़ीद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, टर्न करते हैं राइट साइड की तरफ। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। ये आप देख सकते हैं कि मास्टर साइज़ बेडरूम है और का फीचर साइज़ का बेडरूम रखा गया है। ये यहाँ पे भी वॉल पे डिज़ाइनिंग है, सामने स्टोर रूम अवेलेबल है, साथ वॉशरूम भी है। एंड जो वार्डरोब्स हैं वो इधर डोर के बिल्कुल बैक साइड पे हैं और हाइटेड हैं, सीलिंग तक अटैच हैं। यहाँ मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे इसका गैस पॉइंट भी अवेलेबल है। आते हैं अगर हम फ्लोरिंग की तरफ तो कंप्लीट टाइल फ्लोरिंग है, फैंसी टाइलिंग है और स्कॉटिंग भी साथ मैचिंग की रखी गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन विद डबल सीलिंग फैन, यहाँ पे एज़ यूजल एस के कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और ये फैंसी लाइट्स। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो वॉल्स हैं हमारे पास वो सिंपल रखी गई हैं, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ पर डेकोरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। सो ये अब आप सब देख लें, इसका स्टोर रूम एक नॉर्मल साइज़ का स्टोर रूम रखा गया है जो कि इसी बेडरूम के साथ अटैच्ड है। एंड यहाँ पर अगर आते हैं तो हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वाइट कलर की वेंटी है, वाइट कमोड है, शॉवर एरिया जो है वो सेपरेट रखा गया है, ग्लास पार्टीशनिंग की गई है एंड वेंटिलेशन के लिए वी हैव बोथ ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। मूव बैक करेंगे दोबारा से टीवी लाउंज की तरफ। एंड अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से टीवी लाउंज के रिव्यू करवा रहा हूँ। देयर यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, या आप इसको रिव्यू कर लें, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपकी अकोमोडेशन बन सकती है। टर्न करते हैं राइट साइड की तरफ एंड ये आ गए हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम। ये भी एक अच्छे साइज़ के बेडरूम अवेलेबल है हमारे पास व्यूअर्स, और वॉल पर आप अपनी मर्जी का वॉल पेपर लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन विंडोज़ विद सेफ्टी ग्रिल्स, एसी पॉइंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास का गैस पॉइंट एंड अगेन टाइलिंग इसकी सेम है, फैंसी टाइलिंग है जैसे हमने लास्ट बेडरूम में विजिट किया है। और इसकी वार्डरोब भी अवेलेबल है जो कि सीलिंग तक अटैच्ड है। ये इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन विद एसके कंपनी का सीलिंग फैन। एंड यहाँ पर मज़ीद मूव करते हैं। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, यहाँ पर भी फैंसी वेंटी इस्तेमाल की गई है, वाइट कलर का कमोड है एंड इस वॉशरूम में भी जो शॉवर एरिया है वो सेपरेट रखा गया है। इसके अलावा आप इसकी टाइलिंग देख लें, काफ़ी अमेजिंग टाइलिंग है एंड यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगेन हम मूव कर रहे हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ। अब आप सब इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू कर लें और यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ। सो दिस इज़ द फर्स्ट किचन, व्यूअर्स फर्स्ट किचन है, ओपन किचन है और अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। यहाँ पर आप देख लें स्लैब्स, टाइलिंग बहुत अमेजिंग है, हायर कंपनी का हमारे पास स्टोव अवेलेबल है बट हुड मिसिंग है अभी। एंड इसके अलावा वेंटिलेशन पर्पस के लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरफ हमारे पास फुल एसेसरीज भी अवेलेबल हैं, ये आप रिव्यू कर लें। और ये जो आप डोर देख रहे हैं ये साइड गली से लिंक किया गया है, इसका बेस्ट पर्पस ये है कि आप घर में कोई भी अगर आप कुक हायर करते हैं या कोई भी आप मेड हायर करते हैं तो घर के अंदर डिफरेंस नहीं होगी, इस साइड गली के थ्रू घर के अंदर वो किचन की तरफ आ जाएगा। सो अब आप सब किचन के एंगल से इसको रिव्यू कर लें। दोनों बेडरूम हमने विजिट कर लिए, अटैच वॉशरूम विजिट कर लिया, स्टोर रूम विजिट कर लिया, किचन विजिट कर लिया। अब हम मूव करेंगे ड्राइंग रूम की तरफ। ये पहले आप ड्राइंग रूम का डिज़ाइन देख लें। ये डोर है जो कि टीवी लाउंज से लिंक किया गया है, सेपरेट डोर भी है और ये डोर भी है, डबल एक्सेस है ड्राइंग रूम की। एंड वी आर इन द ड्राइंग रूम, ये आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम का भी काफ़ी अच्छा साइज़ है और सिंपल वाइट कलर का पेंट है यहाँ पे भी। सामने वेंटिलेशन विंडो है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लें, वुडन टेक्सचर दिया गया है, डबल सीलिंग फैन है, फैंसी लाइट इस्तेमाल की गई है। प्लस ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं कि वुडन फ्लोरिंग है, काफ़ी फैंसी फ्लोरिंग यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। गैस पॉइंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। एंड ये जो आप डोर देख रहे हैं ये कारपोर्ट्स, सॉरी घर के अंदर से लिंक किया गया है, कारपोर्ट्स के थ्रू अंदर आते हैं जब हम, और ये टीवी लाउंज से लिंक किया गया है। मैं आपको इसका भी रिव्यू करवा देता हूँ फॉर योर आइडिया। ये आप देख लें, ये मेन एंट्रेंस है हमारे पास, ये अपर पोर्शन की एक्सेस है, ये हमारे पास मेन टीवी लाउंज की एक्सेस है एंड ये हमारे पास अवेलेबल है इसका ड्राइंग रूम। सो आप सबको बताता चलूँ कि हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया है, 2 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, किचन, स्टोर रूम, टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम। रेमिंग हमारे पास रह गया इसका पाउडर वॉशरूम जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ये आ गया इसका वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम। सो हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया, अब हम मूव करेंगे अपर पोर्शन की तरफ। फ्लोर प्लान काफ़ी अच्छा है इस घर का, हम अभी ग्राउंड पोर्शन में मौजूद हैं एंड 2+3 का यूनिट है। सो इस सब देख लें, 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में अवेलेबल हैं एंड 3 बेडरूम्स हमारे पास अपर पोर्शन में अवेलेबल हैं। लाइक आई सेड का ये 2+3 का यूनिट है, सो ये फुल एक डबल यूनिट हाउस है। हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में। सबसे पहले आप एक छोटा सा लॉबी एरिया देख लें, इन स्टेज के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं यहाँ से एक्सेस दी गई है छत की तरफ। उसके अलावा ये वॉल पे डिज़ाइनिंग, वुडन डिज़ाइनिंग एंड हम आ चुके हैं इसके सेकेंड टीवी लाउंज में।
व्यूअर्स, सेकेंड टीवी लॉन्च में काफ़ी अच्छा और काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 बेडरूम्स अवेलेबल हैं। और ये इसकी टाइलिंग देख लें, टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंस है। और इसके अलावा सामने हमारे पास वुडन टेक्सचर दिया गया है, वुडन डिज़ाइनिंग की गई है, LED पॉइंट है। आपको क्लोजली मैं इसका रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर इसका आइडिया हो जाए और इसका क्लोजली व्यू कर लें। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है इसकी। एंड ये हमारे पास इसका डबल सीलिंग फ़ैन है, SK कंपनी का सीलिंग फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। डबल सीलिंग फ़ैन है, काफ़ी फैंसी लाइट्स हैं यहाँ पे। और सामने हमारे पास यहाँ पे भी ओपन किचन है। नेक्स्ट मूव करेंगे एंड ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। मास्टर साइज बेडरूम है, वॉल पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है एंड सिंपल बाकी पेंट इस्तेमाल किया गया है। एंड वेंटिलेशन विंडोज़ विद सेफ्टी ग्रिल्स, और ये इसकी वार्डरोब्स हैं जो कि वॉल के अंदर फिक्स्ड हैं। ये इसके सीलिंग डिज़ाइन डबल सीलिंग फ़ैन के साथ, हाइटेड सीलिंग है यहाँ पे भी। एंड कॉर्नर में हमारे पास अवेलेबल है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, वाइट 20, वाइट कमोड, ग्लास पार्टीशनिंग हुई भी है शावर एरिया की, एंड दोनों चीज़ें अवेलेबल है वेंटिलेशन के लिए। अगेन वी आर मूविंग बैक इन सेकेंड टीवी लाउंज, यहाँ पर इसको रिव्यू कर लें। काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, अकोमोडेशन वाइज बहुत अच्छा घर है ये। और टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ, सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। ये अपर पोर्शन का सेकेंड बेडरूम है, काफ़ी एरी है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर सनलाइट आ रही है, आप देख सकते हैं। वार्डरोब भी अवेलेबल हैं, टाइलिंग है, गैस पॉइंट। एंड कॉर्नर में अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी इसका अटैच वॉशरूम है जो कि फैंसी फिनिशिंग के साथ है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वॉशरूम में जो है वो ग्लास पार्टीशनिंग की गई है। अभी तक हमने जितने भी वॉशरूम विजिट किए हैं सब के सब वॉशरूम में ग्लास पार्टीशनिंग हुई हुई है, शॉवर एरिया सेपरेट किया हुआ है। एंड ये आप अगेन इसको रिव्यू कर लें। यहाँ से हम टर्न करते हैं राइट साइड की तरफ, सो दिस इज़ द सेकेंड किचन। ये सेकेंड किचन है, दोनों किचन हमारे पास सेम थीम के हैं, सेम डिज़ाइनिंग के हैं और सेम साइज़ के हैं, और दोनों के दोनों हमारे पास ओपन किचन अवेलेबल हैं। ये इसकी फ्लोरिंग देख लें, फैंसी फ्लोरिंग है, एसेसरीज अवेलेबल वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, SK कंपनी का गीज़र सॉरी ये एग्जॉस्ट फैन है, साथ हमारे पास विंडो भी अवेलेबल है। और ये इसकी फ्लोरिंग यहाँ की डिफरेंट है एंड टीवी लाउंज की फ्लोरिंग डिफरेंट है। मज़ीद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया इस घर का लास्ट एंड फिफ्थ बेडरूम। व्यूअर्स, ये भी एक मास्टर साइज बेडरूम है और वॉल पे वुडन डिज़ाइनिंग है, वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल, सीलिंग डिज़ाइन विद सीलिंग फ़ैन, ये आप देख सकते हैं कि SK कंपनी का सीलिंग फ़ैन इंस्टॉल है। कॉर्नर में हमारे पास इसका गैस पॉइंट अवेलेबल है। एंड अब आप सब इसको दूसरे एंगल से रिव्यू कर लें। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है इसका ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी अच्छी ज़्यादा वार्डरोब्स हैं। एंड कॉर्नर में हमारे पास यहाँ पर इसका अटैच वॉशरूम, वाइट कलर की कम्बिनेशन है, वाइट 20, वाइट कमोड, टाइलिंग आप देख लें वॉल पर काफ़ी अमेजिंग है, शावर एरिया सेपरेट रखा गया है ग्लास पार्टीशनिंग का। जितने भी हमने बेडरूम विजिट किए हैं तमाम के तमाम जो उनके वॉशरूम्स हैं उनमें शावर एरिया की पार्टीशनिंग की गई है। और इसके अलावा जो टेरेस है इस घर का वो इसी बेडरूम के साथ लिंक्ड है, हम टेरेस का भी विजिट कर लेते हैं। स्टेप्स देख लें, इसके अलावा जो फ्लोरिंग है टेरेस की वो टाइलिंग है, टाइलिंग पे है। ये इसका लोकेलिटी का व्यू है। और इसके अलावा सीलिंग डिज़ाइन देख लें आप टेरेस का, बाकी जो लोकेलिटी का व्यू है मैं कुछ हद से करवा दूंगा ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाए। सो व्यूअर्स, हमने दोनों पोर्शंस का विजिट कंप्लीट कर लिया है, 5 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। ये स्टेप्स देख लें, यहाँ से मूव करेंगे हम छत की तरफ। छत पर हमारे पास अवेलेबल है इसका सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम, और आपको मैं लोकेलिटी का भी व्यू करवा दूँगा। सबसे पहले आप देख लें छत का ये डोर, मेटालिक डोर है, स्टेप है एक, और हम आ चुके हैं छत पे यानी कि रूफ टॉप पे। कंप्लीट आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग जो है वो चिप्स की गई है, चिप्स की फ्लोरिंग है ये। एंड ये पानी की टैंकी है हमारे पास, इधर भी स्पेस अवेलेबल है। ये स्पाइरल स्टेयर्स हैं जो कि बैक लॉन्ड्री की तरफ से आ रही हैं, और सर्वेंट क्वार्टर जो है वो अनफॉर्चुनेटली लॉक्ड है, आपको इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड विजिट करवा दिया जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर ये स्पेस भी अवेलेबल है, आपके घर में कोई भी पेट एनिमल होता है तो आप उस लिहाज से स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी आसपास घर बने हुए हैं, फैमिलीज भी रह रही हैं, 7 प्लॉट खाली है अभी, और ये बिल्कुल साथ मेन की तरफ एक्सेस जाती है। इस घर से आपने अगर एक्सेस लेनी GT रोड की तरफ तो आपकी बहुत इजी एक्सेस है, बहुत इजी ड्राइव पे है। एंड अगर मैं आपको दूसरे एंड से दिखाऊं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि फुल डेवलप्ड एरिया में घर ये अवेलेबल है, आसपास लोग भी रह रहे हैं, फैमिलीज भी रह रही हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने 10 मरला के डिज़ाइनर हाउस का विजिट कम्प्लीट कर लिया। मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 10 मरला डिज़ाइनर हाउस का विजिट कंप्लीट कर लिया। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ब्रांड न्यू हाउस है, 10 मरला हाउस है, और ये घर सेल के लिए अवेलेबल है कैश पे।
इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी, एंड जो डायमेंशन है वो है 35x70। 35 इसका फ्रंट है, 70 इसकी लेंथ है, एंड ये टू साइडेड ओपन हाउस है। ये आपने वीडियो में देखा होगा कि घर कितना खूबसूरत कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, फ्रंट एलिवेशन बहुत प्यारा है इसका, जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो भी बहुत अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उसमें। सो बेसिकली ये एक डबल यूनिट हाउस है, 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम, एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे हमारे पास है सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। व्यूअर्स, इस घर की जो रेंटल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 65,000 से 70,000 तक की है, एंड जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 2 करोड़ 70 लाख। 2 करोड़ 70 लाख रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन ये नेगोशिएबल डिमांड है। आप में से किसी को भी घर पसंद आए तो आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कानी लाइक कर दें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।